वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम कुकिंग। आज बनाएंगे अफगानी चिकन, एकदम ऑथेंटिक, लाजवाब और पार्टी की जान। यहाँ पर 2 किलो चिकन लिया है, जिसको कि इस तरह से बड़े टुकड़ों में काटेंगे। थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा तो फ्राई करने में मुश्किल होगी। चिकन को धो के जाली में डाल के रख लेंगे ताकि उसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब मैरिनेशन के लिए एक हरा मसाला तैयार करते हैं। इसमें 1 गुच्छा धनिया, 1/2 गुच्छा पुदीना, 10 हरी मिर्चें। मिर्चों को इस तरह से तोड़ के चेक कर लेंगे कि ये काली तो नहीं है अंदर से। इसके साथ ही 2 बड़ी प्याज लेंगे, जिसको कि इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। 1 कप दही लिया हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल दही, और 20-22 काजू ले लेंगे। इतनी चीज़ों को हम एक ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर हमारे ग्राइंडर में ये चीज़ें सारी एक साथ नहीं आती हैं तो हम 2 या 3 बार में इसको पीस लेंगे। 1 घंटा हो गया है, चिकन का सारा पानी निकल गया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/2 नींबू इसमें निचोड़ देंगे। अगर आपका नींबू छोटा है तो आप इसमें पूरा नींबू निचोड़िएगा। अब जो हरा मसाला हमने पीस के रखा था इसको इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 किलो चिकन बना रही हूँ। आप जितना भी चिकन बनाएं उस हिसाब से मसाले को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। चिकन को अच्छे से मसाले में मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए इसको साइड में ढक्कन लगा के रख दें। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। पहले हमको चिकन को फ्राई करना है। इसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस को थोड़ा सा मसाला हटा के तब डालेंगे। बहुत सारा मसाला इसके साथ नहीं ऐड होगा, मसाले को हम बाद में यूज़ करेंगे। बस थोड़ा बहुत मसाला जितना कि चिकन पर चिपका रहे उतने ही मसाले के साथ हमको इसको फ्राई करना है। एक एक करके हम सारे चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से इस तरह से हल्का सा लाल हो जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे दोनों तरफ, इस तरह के मार्क्स वाला ये बन जाए। ये सारे चिकन फ्राई हो गए हैं, अब हम इनकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 1/2 कप तेल ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 स्टार एनिस, 3 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, ये सब चीज़ इसके अंदर हम डाल देंगे। इन मसालों की हमको सिर्फ खुशबू चाहिए, इसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसी खुशबूदार तेल में जो ये मैरिनेट बचा हुआ है इसको हम ऐड कर देंगे। अब इस मैरिनेशन को तेल में अच्छी तरह से भूनेंगे। आज हम थोड़ी सी कम ही रखेंगे क्योंकि ये काजू वाला पेस्ट है जो कि नीचे से जल सकता है। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप इसको जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप क्रीम। यहाँ पर घर की मलाई को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से निकाल के फेंट के तब इसके अंदर मसालों में डालेंगे। अगर मसाला आपका यहाँ पर छिटक रहा है तो इसको कवर कर देंगे, मगर बीच बीच में चला के देख लेंगे कहीं नीचे से ऐसा तो नहीं कि चिपक जाए। अब देखिए तेल मसाले में से निकल रहा है, मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छा सा भुन गया है। इतना तक हमको इसको पकाना है। मसाला रेडी हो गया है, यहीं पर हम नमक भी अपना टेस्ट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है उस सब चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर अगर थोड़ा सा कुछ पानी है, जो भी मसाला है, सब कुछ को पोंछ के अच्छे से डाल देंगे और इसको मिलाएंगे। यहाँ पर अगर हमको पानी कम लगता है तो 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी डाल के इसको हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। 20 मिनट के लिए चिकन को और पका लेंगे। चिकन फ्राई करते हुए भी 1/2 चिकन पक चुका है, थोड़ी सी कसर इसकी और है जो कि 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। 20 मिनट के बाद चिकन को खोल के देख लेंगे। देखिए बिल्कुल चिकन जो है वो तैयार है, आप इसमें चाकू इंसर्ट करके देख सकते हैं। अब इसमें हम एक काम और करेंगे, इसको स्मोक करेंगे। एक फॉयल को कटोरी की शक्ल का बना के रख लेंगे और एक दहकता हुआ इसके ऊपर कोयला रखेंगे। कोयले के ऊपर 1-2 लौंग और 1-2 इलायची डाल देंगे। अब 1 चम्मच घी डाल के इसको ढक्कन को अच्छे से बंद कर देंगे। अगर साइड से कहीं से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा तो इसको गीले तौलिया से बंद कर देंगे।
तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे या जब तक कि सारा धुआं जो है वो डिसअपीयर ना हो जाए। ये खुशबूदार धुआं चिकन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब इसके बाद कोयले को हम बाहर निकाल देंगे। चिकन में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी रोस्ट करके ऐड कर देंगे, ये इसको और अच्छा फ्लेवरफुल बनाएगा। ये मेरी बहन की रेसिपी है और जब मैंने इसको ट्राई करा तो सभी को बहुत पसंद आई। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, मैं अकेले ही क्यों इसका मज़ा लूं। करती हूं कि आप सभी लोग इसको पसंद करेंगे, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ इसका मज़ा लेंगे। पराठा, रोटी, पुलाव सभी के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।